स्प्रेडशीट के मैक्रो में केवल फॉर्मूला ही रिकॉर्ड होता है या फिर फॉर्मेट ही रिकॉर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो चाहे वो रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं लिखता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, अब इसके पहले हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, तो यहां पर जाकर के आपको रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। ये मैक्रो वन आ रहा है, आप चाहे तो कोई शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं, फिलहाल मैंने नहीं किया है। मैक्रो वन नाम से हम इसको रिकॉर्ड करना है। तो अब मान लीजिए कि यहां पर आता हूं, यहां पर लिखता हूं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट, और नेम ऑफ स्टूडेंट लिखने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वन टू थ्री जो भी आपको देना है ये इजिली दे दीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब्जेक्ट वन हो गया, सब्जेक्ट टू हो गया, ठीक है, और चाहे तो आप इसकी जगह सब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हैं, मैंने सब्जेक्ट वन टू लिया है आसानी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कर देंगे तो ये टोटल हो गया। आप चाहे तो एवरेज ग्रेड कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं आगे, तो ये एवरेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल और एवरेज दोनों ही कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, और यहां से इसको सही कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेट सही कर लेते हैं इसका। और यहाँ पर स्टूडेंट के नाम आएंगे तो लाइक राम, श्याम, फिर यहाँ पे राजू, है ना, यहाँ पे गौरव, सोनू, जो भी नाम है वो नाम आप देते चले जाइए स्टूडेंट का, ठीक है। और इज इक्वल टू रैंड बिटवीन लगा लीजिए, प्रैक्टिकल के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा आपके, अगर प्रैक्टिकल में पूछा जाता है तो ये हो गया। और एंटरप्रेस कीजिए, और एंटरप्रेस करने के बाद यहाँ पर इसको ड्रैग करवा दीजिए, ड्रैग करवाने के बाद इसको नीचे की तरफ लेके आइए, बस हो गया काम। यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे जाके इसको वैल्यू बना दीजिए, ठीक है, ये वैल्यू बना दिया हमने। और यहाँ पर जाकर के इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाना है आपको, सम का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से ड्रैग करवा दीजिए इन सारे को, ठीक है, बस बंद कीजिए, एंटर कीजिए, तो ये हो गया 165 नंबर आ गया इनका। अब ये हो गया, अब यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो ए बी ई आर ए जी ई एवरेज का फॉर्मूला लगाइए, बस एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो है एवरेज हो गया, और बंद कीजिए, एंटर कीजिए, तो एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, और डबल क्लिक करेंगे तो सब हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, पूरे डेटा को कर लेना है सेलेक्ट कुछ इस तरीके से, और होम पे जा करके और यहाँ बॉर्डर बना लीजिए। आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं बॉर्डर बनाने के लिए। यहाँ पर इसको एक अलग कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे ये कलर ऊपर हेडर में ये कलर दे देते हैं हम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब बारी है मैक्रो के रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने की, तो यहाँ से मैक्रोज पे जाके और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दीजिए, बस काम हो गया आपका। यहाँ से चलते हैं दूसरे शीट पर, और थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूं, ठीक है। अब हम जाएंगे कहां, मैक्रोस पे जाएंगे। मैक्रो में जाने के लिए आपको व्यू पे जाना है, फिर मैक्रो पे जाना है, फिर यहाँ व्यू मैक्रो पे जाइए। मैक्रो वन ही नाम दिया था हमने, बस इसको रन करवा देंगे तो देखेंगे कि सेम डेटा आपका यहाँ पर आ चुका है। तो मैक्रो का एक ये भी मतलब है, देखिए इसमें फॉर्मूला भी है। यहाँ पर आएंगे तो देखिए एवरेज का फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं एफ टू करके भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए लगा हुआ है कि नहीं। और फिर यहाँ टोटल का भी फॉर्मूला लगा हुआ है, एफ टू करके दिखाता हूँ, देखिए लगा है कि नहीं। फॉर्मेट वगैरह सब कुछ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मैक्रो में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।